नमस्कार, स्वागत है आप सभी का साहित्य। आज के इस वीडियो में हम लोग डॉक्टर राधा कृष्णन जी द्वारा रचित सरदार वल्लभ भाई पटेल नमक पाठ के प्रश्न को देखेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने इसी पाठ के सारांश एवं बहुविकल्पी प्रश्नों को देखा। आज इस वीडियो में हम लोग पाठ के लघुतरीय प्रश्न, बोधमूलक प्रश्न एवं भाषा बोध के प्रश्न को देखेंगे। तो देरी ना करते हुए चलिए सर्वप्रथम लघुतरीय प्रश्न को देखते हैं। यह देखिए आपके सामने पहला लघुतरीय, सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे। सर देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक महान योद्धा, जन आंदोलन के महान नेता और भारत को एकीकृत यानी एक स्वरूप प्रदान करने वाले महान नायक। प्रश्न देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कैसे परिवार में जन्म लिया था, यानी कि उनके परिवार के बारे में बताइए। सर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक कृषक परिवार में जन्म लिया। आगे के प्रश्नों को देखते हैं। पटेल जी के आदेशों का पालन करते, सरदार वल्लभ भाई पटेल महात्मा गांधी के आदेशों का पालन। प्रश्न को देखते हैं, सबसे पहले और सबसे ऊपर हमें अपने आप को क्या मानना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले सबसे ऊपर हमें अपने आप को भारतीय मानना चाहिए, यानी कि जातिगत धर्मगत जो भेदभाव की भावना है उससे ऊपर उठकर सबसे पहले हमें अपने आप को भारतीय यानी कि इंडियन कहना चाहिए। पांचवें नंबर प्रश्न को देखते हैं, पटेल जी के जीवन को हम कितने भागों में देख सकते हैं। तो देखिए, पटेल जी के जीवन को हम तीन भागों में देख सकते हैं। पहला है एक क्रांतिकारी, एक राजनेता और एक, तीन रूप में कौन सा है, क्रांतिकारी, राजनेता और प्रशासक। प्रश्न को देखते हैं, देखिए पटेल जी के कार्य का सबसे महत्वपूर्ण भाग किस, पटेल जी के कार्य का सबसे महत्वपूर्ण भाग राजनेता के। सातवां प्रश्न, नेहरू जी ने पटेल जी के बारे में क्या कहा। तो देखिए, नेहरू जी ने पटेल जी के बारे में कहा था, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारतीय एकता के संस्थापक थे, अपनी जो वो उनकी समझाने की अपनी शक्ति, राजनयिक दक्षता, राजनीतिक तात्पर्य से देश में सांसनिक एकता लाने में जो सबल भारत के निर्माण में आवश्यक आधार। यहाँ पर लघुतरीय प्रश्न समाप्त हो रहा है, इसी बाद हम बोधमूलक प्रश्न को देखिए, राज्य के एकीकरण के लिए पटेल ने क्या किया, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया। तो देखिए, राज्यों के एकीकरण के लिए पटेल ने स्वतंत्रता की प्राप्ति के तत्काल बाद दो वर्षों में अपनी सूझबूझ और लोगों को समझाने की शक्ति 500 छोटे छोटे राज्यों को भारतीय संघ में मिला दिया, यानी कि 500 छोटे छोटे राज्यों को भारतीय संघ में एक कर दिया। यह सांसनिक एकता भारतीय निर्माण के लिए आवश्यक आधार बनी। कार्य के द्वारा भारत, ये इतना बड़ा जो भारत हमें दिखाई दे रहा है, वह निर्मित हो पाया। दूसरा प्रश्न देखिए, एक प्रशासक के रूप में पटेल के कार्यों का परिचय। प्रशासक रूप में जब गुजरात में बाढ़ आई, पटेल जी ने बारदोली आंदोलन संगठित किया। उन्होंने उन सभी क्षेत्रों में जहां जहां कार्य किया अपनी संगठन क्षमता, वे अहमदाबाद नगर पालिका के अध्यक्ष थे और उन्होंने उसे आधुनिक बनाया। प्रश्न को देखते हैं, सरदार पटेल के चरित्र की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो देखिए, सरदार पटेल ने सदा अनुशासन में कार्य किया, राष्ट्र के हितों को अपने हितों से ऊपर रखा, यानी कि अपने व्यक्तिगत हितों से ऊपर राष्ट्र हित को रखा है, देश हित को। बहुत कम बोलते, उनमें स्पष्टवादिता यानी साफ साफ अपनी बात कहे, दृढ़ता और दूरदर्शिता यानी दूर की सोच वाला जो गुण था वो विद्यमान, साहसी, देशभक्त और सफल प्रशासक थे। उनमें कर्तव्य निष्ठा, अनुशासन, आज्ञा पालन, साहस था, प्राण उत्सर्ग करने की तत्परता भी थी। वे अपने देश के लिए अपने प्राण को भी उत्सर्ग करने के लिए तैयार रहते थे। उनमें जन सेवा और त्याग की भावना भी, उनके चरित्र की प्रमुख विशेषता। का चौथा प्रश्न कि एक राजनेता के रूप में पटेल के महत्व को उल्लेख कीजिए। पटेल के कार्यों का सबसे महत्वपूर्ण भाग राजनेता के रूप में था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उन्होंने अपनी लोगों को समझाने की शक्ति
500 छोटे छोटे राज्यों को भारतीय संघ। वास्तव में वे भारतीय एकता के संस्थापक थे। उन्होंने अपनी राजनीतिक दक्षता से सांसनिक एकता लाने में सफल हुए। यह एकीकरण आज भी हमारा उद्देश्य है और पटेल जी की यह जो उपलब्धि है वो एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। आइए यहाँ पर कुछ निर्देशानुसार उत्तर की हम देखते हैं। तो यहाँ पर एक गई है, यह वह कार्य है जो आज भी किया जाना शेष है। के आधार पर प्रश्न है कि प्रस्तुत पंक्ति के लेखक का नाम लिखिए। तो देखिए प्रस्तुत पंक्ति के यहाँ पे आधा का होगा। प्रस्तुत पंक्ति के लेखक का नाम डॉक्टर राधाकृष्णन। ये पे आधारित दूसरा प्रश्न, कौन सा कार्य किया जाना शेष है स्पष्ट कीजिए। देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल महात्मा गांधी के नेतृत्व में वो आंदोलन चलाए, वे संबंधित स्थानीय लोगों को एकत्र करने के उद्देश्य से चलाए जाते थे ताकि वे संगठित हो सके और उनका उद्देश्य एक हो सके, जिससे वे जाति और संप्रदाय के मतभेदों को भुलाकर एक होकर कार्य करें। यह कार्य आज भी होना शेष है, यानी आज भी लोगों में जातिगत धर्मगत भेदभाव की भावना विद्यमान है और आज भी यह अत्याधिक आवश्यक है जातिगत और धर्मगत जो भेदभाव भावना विद्यमान है उसे दूर कर लोगों को आपस में एकत्रित किया जाए, संगठित किया जाए। यह कार्य आज भी किया जाना शेष ही है। दूसरी पंक्ति देखिए, यह एक ऐसा एकीकरण है जो आज भी हमारा उद्देश्य। यह पंक्ति किस पाठ से उद्धृत है? यह पंक्ति सरदार वल्लभ भाई पाठ से उद्धृत है। एकीकरण से क्या तात्पर्य? हमारा जो दूसरा प्रश्न है कि एकीकरण से क्या तात्पर्य है, तो उत्तर है एकीकरण का तात्पर्य है भारत के राज्यों को एक में मिलाकर भारतीय संघ में सम्मिलित करना। पटेल जी ने 500 राज्यों का एकीकरण कर भारतीय संघ में सम्मिलित किया। इसके लिए एकीकरण शब्द का इस्तेमाल किया गया है। हम तीसरे प्रश्न को देखते हैं, हमारा उद्देश्य क्या है और उद्देश्य कैसे पूर्ण? उत्तर देखिए, हमारा उद्देश्य है राज्यों का जो एकीकरण सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने आरंभ किया है वह आज तक जारी रहना चाहिए। जब तक हम यह अनुभव ना करें कि हमारा एक राष्ट्र है, यह कार्य चलते रहे। सार्वजनिक जीवन में जाति या धर्म को नहीं आने देना चाहिए। देश की के लिए समझना चाहिए कि हम सब भारतीय हैं और एक हैं। यदि हम इस भावना को लेकर चले तो हमें जरूर हमारा जो उद्देश्य है वो अवश्य पूरा होगा। हमारा तीसरा प्रश्न देखिए, यह हमारी हार्दिक आशा है कि देश को सरकार की दिशा, यह कथन की डॉक्टर राधाकृष्ण। दूसरा प्रश्न देखिए, वक्ता देश को कैसी दिशा मिलने की आशा प्रकट करते हैं, यानी राधाकृष्णन जी देश को कैसी दिशा मिलने की आशा प्रकट करते हैं। उत्तर है, भारत के लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठा और अपने देश के जो युवक युवती हैं को सही दृष्टिकोण प्रदान करना, साथ ही साथ अपने पड़ोसियों के साथ गहरा संबंध बनाना वक्ता का प्रमुख उद्देश्य है। और इसी प्रकार दिशा मिलने की आशा स्पष्ट की, जल्द ही जो युवक युवती उन्हें सही दृष्टिकोण प्राप्त होगा, वे समझ पाएंगे कि हमारा देश एक है और हमें जातिगत धर्मगत और भी जो संकीर्ण बाधाएं हैं इन पर उठकर स्वयं को भारतीय मानते हुए देश हित के लिए कार्य करना चाहिए। भाषाबोध के प्रश्न को देखते हैं। देखिए पहला भाषाबोध के प्रश्न को बात करें तो इसमें पहले क्या करना है, उपसर्ग तक करना है। आइए हम सबसे पहले उपसर्ग देखते हैं और फिर मूल शब्द। तो सबसे पहला उपसर्ग है, मैं यहाँ लिख अनुशासित में उपसर्ग क्या है, अनु, और मूल शब्द है शासित। तरीके से सबल में तो हमारा उपसर्ग है और बल जो है वो हमारा मूल शब्द। अव्यय में व्यय में अब हमारा जो है वो है उपसर्ग और व्यय जो है वो विखंडन में वी सर्ग और जो है वो हमारा मूल शब्द है। सुनिश्चित में भी वो उपसर्ग है और जो है वो मूल शब्द के साथ उपसर्ग मिलने पर ये नए शब्द। आइए अब हम प्रत्यय पृथक करते हैं। उपसर्ग जिस तरीके से आगे लगता है, प्रत्यय जो है वो ये लगता है ना। देखिए प्रत्यय पृथक करेंगे तो क्या होगा, विक्रांति जो है वो हमारा मूल शब्द है, उससे प्रत्यय पृथक करेंगे तो कारी। ठीक है,
क्रांतिकारी। इस तरीके से सांप्रदायिक में हमारा प्रत्यय क्या है, एक। एक कौन सा प्रत्यय है, एक प्रत्यय है। आध्यात्मिक में भी हमारा एक प्रत्यय है, मानसिक में भी हमारा एक प्रत्यय है, और इच्छाओं में हमारा ओ प्रत्यय। आइए अब हम कुछ विलोम शब्दों को देख लेते हैं, जो कि हमारा तीसरा नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो हमारा भिन्न का क्या होगा, विलोम शब्द अभिन्न, अनुकूल का प्रतिकूल, एकता का अनेकता, धर्म का अधर्म। यह सब बहुत ही सरल सरल है, आप स्वयं भी कर सकते हैं। खान का पतन, खान यानी उठना और पतन यानी हाश हो जाना, और नैतिक का अनैतिक। यहाँ पर आपका हो गया, के बाद जो है वो देखते हैं हम लोग। इसके बाद जो है वो हमारा है निम्नलिखित शब्दों का वाक्य प्रयोग। वाक्य प्रयोग आप स्वयं भी कर सकते हैं, मैं अवश्य ही बतलाऊंगी, लेकिन आप स्वयं भी शब्दों का वाक्य प्रयोग अवश्य ही कर सकते हैं। एकीकरण, एकीकरण का क्या कर सकते हैं हम लोग, आप ये पाठ से भी उठा कर सकते हैं कि सांसनिक एकता ए साथ भावनात्मक भाव भावात्मक एकीकरण आवश्यक। दूसरा बेरोजगारी, बेरोजगारी एक समस्या है, बेरोजगारी विकट समस्या है। तीसरा जो हमारा है वो है मतभेद, भेद हमारे बीच मतभेद, भेद भेद मतभेद नहीं चाहिए। इसके बाद चौथा है हमारा अप्राकृतिक, अप्राकृतिक तरीके से प्रकृति का दोहन, पोषण जिसे हम कहते हैं, नहीं होना चाहिए। और इसके बाद अधपतन का मैं यहाँ लिख दे रही हूँ। अधपतन का क्या होगा, भ्रष्टाचार के कारण हमारे देश का अधपतन हो रहा है, यानी हमारा देश नुकसान में जा रहा है ना। ये वाले इसका वाक्य प्रयोग मैं यहाँ लिख देती हूँ आप लोगों को, आप दूसरा भी कर सकते हैं अपने हिसाब से जो आपको सही लगता हो, पाठ से भी कर सकते हैं। जैसे भ्रष्टाचार के कारण देश पतन और जा रहा है। तो पाठ से संबंध को हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न, बोधमूलक प्रश्न और भाषा बोध के प्रश्न थे, उसे हम लोग ने पूरा कर लिया है। और इसी के साथ यह पाठ जो है वो पूरा हो रहा है, कंप्लीट हो गया है। तो आप इस पाठ से संबंध को दो वीडियो दोनों को देखें ताकि आप आसानी से समझ सकें। पहले वाली वीडियो में लोगों ने पाठ का सारांश और बहुविकल्पी प्रश्न किया है, मैंने आपको बता दिया कि हम लोग बोधमूलक और भाषा बोध का। तो आशा है कि यह वीडियो आप लोगों के लिए उपयोगी होगी एवं आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना और ना भूलें।